धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, जो कुछ आपने हमारी सहायता के लिए सब कुछ दिया हुआ है, उन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आपकी सहायता से हम आपके निकट बढ़ें, आपकी महिमा का कारण बनें और सारी महिमा आपको मिले। इसलिए धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और ध्यान धर के आपके वचन को सुनते हैं, ताकि आपकी इच्छा हम जानें आपके वचन के द्वारा, और आपकी इच्छा को ग्रहण करें और आपकी मर्जी में खड़े हों, ताकि आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से हम आपकी मर्जी में चलने वाले हों और हम सबका जीवन वो बने जो आप हमें बनाना चाहते हैं, ताकि आपकी महिमा हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 84 में पुटिंग गॉड फर्स्ट इन योर प्रायोरिटीज। हम परमेश्वर को कैसे अपने जीवन में प्राथमिकता में ला सकते हैं और कैसे हमें लाना चाहिए, वही प्राथमिकता है। प्रायोरिटीज का मतलब होता है प्राथमिकता, फर्स्ट प्लेस। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट क्लैमर फॉर आवर अटेंशन एंड डिवोशन, आवर जॉब्स, आवर किड्स, आवर स्पाउसेस, आवर हॉबीज, द डिमांड्स एंड डिस्ट्रैक्शंस ऑफ लाइफ। हमारे ध्यान और भक्ति के लिए बहुत सी चीजें हैं। हमारे ध्यान के लिए हम किस चीज पर ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं, वही भक्ति है। भक्ति का मतलब किसी चीज पर फोकस होना। हमारे ध्यान और भक्ति के लिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे हमारी नौकरी, ये भी भक्ति का एक विषय है। लोग अपनी नौकरी, आप दिन भर जो चीज दिमाग में रहती है और जो चलती रहती है और जिस पर आप ध्यान केंद्रित रखते हैं, वही आपकी भक्ति है। आप उस चीज की वर्शिप कर रहे हैं। हमारी नौकरी, हमारे बच्चे, हमारे पति या पत्नी, हमारे शौक, जीवन की मांग और व्याकुलता, ये सब भक्ति के विषय हैं। लोग इन चीजों की भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए अंतिम दिनों में अधर्म जो लिखा हुआ है ना, वो स्वभाव मनुष्य का लिखा कि ऐसा स्वभाव हो जाएगा कि मनुष्य अपने स्वभाव से उन चीजों के पीछे भागेगा जो परमेश्वर आपको देने के लिए उसने वादा किया है, लेकिन विश्वास ना होने के कारण वो मिल नहीं रहा। आप उन चीजों को परस्यू करने लगेंगे और मांग और व्याकुलता, और हमें सावधान रहना होगा कि हम उन्हें परमेश्वर के साथ हमारे संबंध से अधिक महत्वपूर्ण या प्राथमिकता के रूप में ना बनने दें। अब कौन सी चीज आप इसमें से माइनस कर सकते हैं? कह रहे कुछ नहीं, तो फिर इसका मतलब परमेश्वर फर्स्ट प्लेस कभी नहीं आ सकता आपकी लाइफ में। लेकिन जो लोग ऐसा कर चुके हैं, हमने किया है, हमने परमेश्वर को प्रथम स्थान दे दिया, बाकी सब चीजें सेकेंडरी, और इसलिए हम जीवन में जयवंत हो रहे हैं, उसका कारण यही है। और जितनी लोगों को मैं प्रार्थना करते देखता हूं, प्रार्थना करने से ज्यादा प्रार्थना के विषय पे चर्चा करना, हर समय लोगों को टोकते रहना, बोलते रहना, प्रार्थना करो प्रार्थना करो, प्रार्थना करने से ज्यादा तो लोग दूसरे को बोलते रहते हैं प्रार्थना करो, ये भी एक वर्शिप है। आप प्रार्थना की वर्शिप कर रहे हैं। आपको एक वर्ड मालूम हो गया प्रेयर, बट यू डोंट नो व्हाट इज प्रेयर। प्रार्थना का मतलब ही नहीं मालूम है। आप कोर्ट में जाते हैं, जब आप वहां पे एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, वो भी प्रार्थना पत्र ही कहलाता है कि नहीं? आप कहीं पर भी प्रार्थना, कहीं पर भी जाके कर सकते हैं, किसी भी जगह आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो प्रार्थना है, प्रार्थना का विषय है। लेकिन प्रार्थना के विषय को आप लगाते हैं, लेकिन क्या सारे विषय आपके एक बार में यस हो जाते हैं? जिसका मतलब आप प्रार्थना में जो बातें बोल रहे हैं, उनमें से मुश्किल से कोई अगर परमेश्वर की मर्जी के अनुसार कुछ होगा तो एक्सेप्टेबल होगा, वरना नहीं होगा। तो परमेश्वर के सामने उन चीजों को रख के परमेश्वर की परीक्षा करने से अच्छा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर और परमेश्वर की इच्छा में जीवन व्यतीत करने लगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सजग और सतर्क हो जाए। ये है परमेश्वर का वचन, हमें इस चीज के लिए उभारता है। द फर्स्ट ऑफ द 10 कमांडमेंट्स स्टेट्स, जो 10 हुक्म में जो पहला हुक्म है, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 3 पद, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसको इंग्लिश में भी पढ़ दीजिए, इंग्लिश इंटरप्रिटेशन जहां पे बहुत जायज होता वहां पर चाहिए होता है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ईश्वर का मतलब लॉर्ड होता है, परमेश्वर का मतलब गॉड, ईश्वर का मतलब लॉर्ड। ये डिफरेंसेस भी आप सीखिए। जब
वी शैल हैव, यू शैल हैव नो अदर गॉड, ये स्मॉल जी ओ डी गॉड होगा, बिफोर और बिसाइड्स मी। अब बिफोर और बिसाइड, बिफोर का मतलब क्या है? मुझसे पहले प्रथम स्थान किसका होना चाहिए? परमेश्वर का। मुझसे पहले कोई और चीज ईश्वर ना बना लेना। और बिसाइड मतलब मुझे भी परमेश्वर मान रहे हो, लेकिन साथ साथ तुम दूसरी चीज को इक्वल दर्जा दे रहे हो, यानी वो भी ईश्वर का रूप है। तो जब आप परमेश्वर के इक्वल किसी को दर्जा देने लगते हैं तो ये बिसाइड हो गया। बिफोर का मतलब परमेश्वर को ना जानना और किसी को भी ईश्वर मान लेना, ये है बिफोर। और बिसाइड का मतलब कि परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर और ये इक्वल कर देना, दिस इज इक्वल सिन, ये बराबर का पाप है। ये इंटरप्रिटेशन, जो लॉ का इंटरप्रिटेशन है, वो लॉ का इंटरप्रिटेशन इतना टफ है कि कोर्ट से जब वहां से जजमेंट लिख के मिलता है तो वकील ही आपको इंटरप्रेट कर पाएगा कि कोर्ट ने आपको क्या कहा है। आपके वो आप भाषा पढ़ लेंगे लेकिन उसकी उसकी इंटेंसिटी को नहीं समझेंगे। ये है लॉ की भाषा। यहाँ पे लॉ है, पहला हुक्म है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हुक्म है। इसी के साथ साथ एक और पढ़ दीजिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 5 अध्याय उसका 8 और 9 पद। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना ना। अब देखिए, प्रतिमा अलग चीज हो गई, मूर्ति अलग चीज हो गई, ना किसी की प्रतिमा मीन्स इमेज ना बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। ये अलग अलग वो सब, जैसे आप कानून में देखते हैं कि एक व्यक्ति ने एक अपराध किया, उसके ऊपर ढेर सारी धाराएं लगी, तो वो एक अपराध की इतनी ढेर धाराएं कैसे होती हैं? कोई वकील नहीं इसलिए बता नहीं पाएगा। एक्चुअली हर जितना उसके अंदर इंटेंशन, उसके बाद उसकी प्लानिंग और वो एक एक पॉइंट की अलग अलग धारा होती है। अब आप इस पद को जब पढ़ रहे हैं तो इसमें कितने पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, आपने नोटिस किया? तुम मुझे छोड़ किसी को नहीं, पहला शुरू से पढ़ दीजिए। तू अपने लिए, पहली चीज तो तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर बनाए, एक धारा ये होगी जी। और ना किसी की प्रतिमा बनाना। कई बार लोग मूर्ति नहीं बनाते, प्रतिमा बना लेते, मेंटल इमेज, किस बच्चे की मेंटल इमेज बन गई, आपकी नौकरी की बन गई, कोई व्यक्ति हो गया हमारा, कोई बहुत अच्छा व्यक्ति जिससे हम बहुत मन खुश हो गया, उसकी इमेज आपके अंदर आ गई, ये इससे अच्छा कोई नहीं। अब आप उसकी वर्शिप कर रहे हैं हर समय, वो आप उसको हमेशा रिमाइंड कर रहे हैं, कोई ये मेंटल इमेज है जी, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, तीन जगह बताई गई है, इन जगह में से कोई जगह से कोई प्रतिमा मत लेना। आगे हाँ, और फिर चौथा पॉइंट आ गया, तो उनको दंडवत ना करना जी। और फिर तीसरा पांचवा है, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा ईर्ष्या रखने वाला हूं। जलन का मतलब ईर्ष्या रखता हूं, मैं अपने इक्वल, अपने स्थान पे, मेरे स्थान पे तुम किसी दूसरे को भी लाके बैठाते हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, ईर्ष्या रखता है जी। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके, आप सुन लीजिए कितना लंबा उसका गुस्सा है, एक आदमी ऐसा करेगा और कहां तक ये जाएगा, कितनी जनरेशन तक, उनके बेटों, पोतों, पर पोतों और पितरों को पीछे भी दंड की आज्ञा देता एक व्यक्ति। इसीलिए नए नियम मिलेगा, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, यानी सब तर जाएंगे एक व्यक्ति के विश्वास से। क्यों नहीं हो रहा है? पावरफुल है वर्ड, परमेश्वर के वचन को क्या चीज डिफ्यूज कर रही है हमारी लाइफ में, वो क्या चीज है जो डिफ्यूज कर रही है, हम उसको प्रथम स्थान नहीं देते हैं, ये हमें मानना है बिल्कुल। हम लोगों को और एक्टिविटीज को और स्थानों को, सब चीजों को पहला स्थान कर देते, परमेश्वर को एकदम लास्ट में। परमेश्वर तू तो जानता है हम मजबूर है, हम नहीं आ पाएंगे, ये हम नहीं आ पाएंगे, अब पल्ला झाड़ लिया। तो इससे क्या आप परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। कमांड का मतलब कमांड है, वो कमांड पूरा हुए बिना आपको मिलेगा कुछ नहीं।
चाहे आप कितनी भी प्रार्थना कर लो। ये रीजंस हैं, ये रीजनिंग्स हैं। अब देखिए, येट हाउ मेनी ऑफ द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई आवर टाइम, मनी, थॉट्स एंड अटेंशन हैव टेकन द प्लेस वेयर गॉड इज सपोज टू बी। यानी 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा भी हमने आपके सामने पढ़ी कि परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम किसी और को उसके इक्वल में लाके खड़ा करें ताकि वो ईर्ष्या करे। फिर भी कितनी चीजें जो हमारे समय, धन, विचारों और ध्यान पर कब्जा करती हैं और उसने और इन चीजों ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया है जहां परमेश्वर को माना जाता है। कहां? हृदय। द प्लेस ऑफ थॉट एंड अफेक्शन इज अवर हार्ट। हमारे हृदय में सबसे पहले कौन, किसकी जगह है? आंख बंद करके 2 मिनट जाके घर में सोचिएगा कि आप किसको पहला स्थान देते हैं। यहां पे कौन बसा हुआ है? आपके दिल में क्या बसा है, कौन बसा है और कब से वो वहां पर विराजमान है और अभी तक आपने उस स्थान को परमेश्वर को नहीं दिया है। मनुष्य का हृदय, द सीट, हार्ट इज द सीट ऑफ गॉड। वहां परमेश्वर होना चाहिए, तब वहां पे ओरिजिन मालूम। हार्ट इज द ओरिजिन ऑफ थॉट। यहाँ पे विचारों का उद्गम होता है, विचार उत्पन्न होते हैं। जब वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो परमेश्वरीय विचार उत्पन्न होंगे और अगर वहां परमेश्वर के अलावा कोई होगा तो वैसे ही विचार आएंगे और आपके विचार आपको दोष लगाएंगे कि तुम पढ़ते हो, सुनते हो, सब कुछ करते हो लेकिन तुम मानते नहीं हो। इसीलिए पौलुस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। इनर विटनेस, अंदर से गवाही आती है, वो सच्ची गवाही होती है जो अंदर से निकलती है। बाकी दुनिया में कोई आपको अप्रूवल दे दे धोखा खा के, वो अलग चीज है, लेकिन वो अप्रूवल फेल हो जाएगा परमेश्वर के सामने। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ट्रुथ, यानी सत्य से, यानी भटकाव, सत्य से भटकाव। एनीथिंग कैन बिकम अ गॉड टू अस। कोई भी चीज परमेश्वर हो सकती है हमारे लिए। ये बात हिंदुस्तान में तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। किसी भी चीज को ईश्वर मान लेना, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। आपके स्वभाव में और आपके विचार में कौन सी ये चीज ईश्वर के स्थान पे है, वही चीज आपके लिए ईश्वर हो गई। हाँ, सत्य से ध्यान भटकाने वाली बात है। कोई भी चीज हमारे लिए ईश्वर बन सकती है। जिस चीज की हम पूजा करते हैं या उसमें अत्यधिक समय लगाते हैं वो ईश्वर है। किसी का ईश्वर उसका पेट है, नहीं, नियम लिखा है उनका ईश्वर उनका पेट है, क्योंकि हर समय उनका ध्यान खाने में, खाना पकाने में, खाना खाने में और विचारों में भी यह है कि ये वाली डिश खाने का मन कर और खा के यहां तक अभी बैठे, उसके बाद भी उनकी दूसरी डिश उनको आ रही कि ये मन कर रहा है। उनका ईश्वर उनका पेट है ना। कहां ध्यान ज्यादा लगता है, जहां ज्यादा ध्यान लग रहा है वही ईश्वर है। ये सीखिए, हमको परमेश्वर का वचन बहुत बढ़िया तरीके से सिखाएगा कि परमेश्वर को हम कैसे जाने। यहां तक कि आपकी भावनाएं भी भगवान बन सकती हैं, ईश्वर बन सकती हैं भावनाएं भी। आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को बहुत ध्यान से स्टडी कीजिए, उसको देखिए, वो भावनात्मक कहीं नहीं हुआ, कभी भावनाओं में नहीं फंसा, क्योंकि इंसान भावनाओं का पुतला है और भावना जो है वो ईश्वर के स्थान पे आ जाती है। और इतनी ज्यादा भावना, कभी कभी भावना से ओवरवेलमिंग ऑफ द इमोशंस, वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, इतनी भावना में इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो भावना आपको लाइन क्रॉस करा देगी फटाक से। भावना में आदमी जितनी जल्दी लाइन क्रॉस करता है ना, होश में नहीं करेगा, भावना में चट से एक आप जो परमिशन है, हमें बाउंड्री खींची, हम उसको क्रॉस कर जाते हैं। ये है भावना। तो भावना बहुत खतरनाक चीज है। तो हमारी भावनाएं भी, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में कि एनीथिंग बिकम अ गॉड टू अस, एनीथिंग वी वर्शिप और पुट एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टाइम इनटू, इवन आवर फीलिंग्स कैन बिकम गॉड इफ यू अलाउ देम टू कंट्रोल यू। अगर आप अपनी भावनाओं को अपने ऊपर कब्जा करने देंगे तो वो भावनाएं आपके जीवन में ईश्वर बन जाएंगी, आपका ईश्वर, योर पर्सनल गॉड। लेकिन उन भावनाओं से आपको मिलेगा कुछ नहीं, धोखा ही मिलेगा, क्योंकि भावनाएं करेंगी कुछ नहीं, आपको पीड़ित करेंगी। हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्या मैं परमेश्वर और उसके वचन या मेरी भावनाओं के आगे झुक रहा हूं? अपने आप को टेस्ट करना शुरू कीजिए।
या नए नियम में हम लोग एक मास्टर लाइन लेके चल रहे हैं कि हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो। तो अपनी आप से शुरुआत करें, अपनी आत्मा को परखा। दूसरों को परखने की बात बाइबल ने कभी नहीं की। बाइबल में जब कभी इसमें परखने का विषय आता है, जब कभी करेक्शन का विषय आता है, वो व्यक्तिगत होता है आपके लिए, पढ़ने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, उनके लिए नहीं जो सुन नहीं रहे। वो लोग जो कलीसिया में आ रहे हैं उनके लिए ये विषय होता है, उनके लिए नहीं जो घरों में है। तो आपको अपने आप को देखना है, जांचना है। परमेश्वर का वचन आईने का काम करेगा। परमेश्वर का वचन ये वो जल है, पवित्र जल, जो शुद्ध भी करेगा। और इसको इस्तेमाल करता है पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके भीतरी भाग तक जाता, आत्मा तक। और इसलिए हमें अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए, कहीं हम भावनात्मक तो नहीं हो रहे हैं। आत्मिक जीवन में जब कोई व्यक्ति ग्रो करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, तो सबसे पहला भाग आता भावनात्मक। ये बहुत डेंजरस पार्ट होता है। डिसिप्लिन के लिए छड़ी का जिक्र बाइबल में दिया गया और डांट का जिक्र किया, दो चीजें। आज के युग में ये दोनों चीजों से लोगों को एलर्जी है, और भावनात्मक पार्ट को दूर करने के लिए ये दो चीजों का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मनुष्य इन दो चीजों से कतराता है तो परमेश्वर के पास मास्टर स्ट्रोक होता है, वो स्ट्रोक होता है परिस्थिति, जिसमें वो फंसा देता है और कहता अब तुम बताओ, ना तुम मार खाने को तैयार थे, ना डांट खाने को तैयार थे, मैंने तुमको फ्री कर दिया, लेकिन फ्री होके भागने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, परिस्थिति में ऐसा फंसा दूंगा, वहां से निकल के आओगे तभी तुम मेरे पास आ सकते हो। तब इंसान परिस्थितियों में जाके ट्रैप होता है। जो लोग बहुत आसानी से परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या उसको अंडरस्टैंड नहीं करना मांगते, मन नहीं करता जिनका, उन्हें परमेश्वर परिस्थितियों का इस्तेमाल करता फंसाने के लिए। और ये एक बहुत ड्यूरेशन वाली चीज है। परिस्थिति में जब आपको फंसाएगा तो ये एक टाइम टेकिंग टेस्टिंग है। इसमें से आप कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, ये परमेश्वर भी कहता तुम्हारे ही ऊपर है। क्योंकि वहां जाने के बाद व्यक्ति और ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उसको वहां पर एड नहीं पहुंचाई जा सकती। जब तक वो आता रहता है तब तक तो एड मिलती, जब परिस्थिति में फंस गया, आ नहीं पाएगा, तब तो अब एड वहां पहुंचाना बहुत मुश्किल है। जब युद्ध के मैदान में देखिए, सैनिक अगर अपने देश में है, बैरक्स में है, छावनी में है, उसको सारी चीजें प्रोवाइडेड है, मिल रही आसानी से, लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में होता है वहां पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आती है, जियोग्राफी भी आती है कि उन परिस्थितियों में तो वहां पर आपको शायद कुछ हेल्प ना मिले। तो जब आप तक परमेश्वर की हेल्प आपको मिल रही है, उस समय को, अवसर को बहुमूल्य समझो। द की टू हैविंग गॉड्स अबंडेंट लाइफ, यानी परमेश्वर के प्रचुर मात्रा में जीवन, उसका प्रेम, शांति और आनंद पाने की कुंजी, उसे हमारी प्राथमिकताओं में उसके सही स्थान पर रखना है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष क्या है मालूम है, अबंडेंट लाइफ, यानी भरपूरी का जीवन, और इसके लिए हिज लव, यानी उसका प्रेम चाहिए, उसकी शांति चाहिए और उसका आनंद चाहिए इस जीवन में। अबंडेंट लाइफ के तीन मुख्य विषय हैं, हिज पीस, हिज लव एंड हिज जॉय, इज कीपिंग हिम इन हिज राइटफुल प्लेस इन आवर प्रायोरिटीज। हमारे जीवन में परमेश्वर अगर अपने स्थान पे आ जाए जहां उसको होना चाहिए, तो हमें अबंडेंट लाइफ मिलेगी, और उस अबंडेंट लाइफ में तीन फल निकलेंगे, प्रेम, शांति और आनंद, ये तीन हैं। और यही पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दिए जाते हैं, ठीक है। राइटफुल प्लेस इन आवर, गॉड सेड टू अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय उसका पहला पद, इसको, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन, देखिए परमेश्वर पहले के लोगों को, क्योंकि वचन रिटन वर्ड नहीं था, तो परमेश्वर कैसे लोगों को प्रकट करता था, अपने आप को प्रकट करके बात करता था, प्रगटीकरण के साथ, है ना। आजकल आप किसको ईश्वर मानते हैं, प्रगटीकरण तो आपको होगा नहीं, तो परमेश्वर आपने किसको मान लिया। आप कभी कलीसिया आए नहीं, आपने कहीं YouTube पे या किसी व्यक्ति से यीशु मसीह के बारे में सुना, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, रेवलेशन नहीं मिला है। और उस इन्फॉर्मेशन को अगर आपने रेवलेशन मान लिया, तो वो व्यक्ति वो स्थान पा जाएगा जो यीशु मसीह का होना चाहिए, जो पवित्र आत्मा का होना चाहिए। चलना पवित्र आत्मा की गाइडेंस में था, चलने लगे उसकी गाइडेंस में, क्योंकि आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिली,
रेवलेशन नहीं मिला। रेवलेशन परमेश्वर अपना खुद प्रकाशन देता है। पत्रस ने जब कहा था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु मसीह ने तुरंत क्यों कहा था कि ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई? ये प्रकाशन था, ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसने कहा ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई, मेरे पिता ने तुझको प्रकट की है स्वर्ग से। ये प्रकाशन था। जब प्रकाशन परमेश्वर स्वयं देता है, इसीलिए देखिए यहां पर क्या लिखा, अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। नहीं लिखा कैसे, जितना चलेंगे उतना सिद्ध होंगे और जब रुक जाएंगे वहीं खत्म। यही फेलियर है कि स्पिरिचुअल लाइफ में कोई रेगुलरली कंटिन्यूअसली ग्रो नहीं करता। इस संसार में, भटकते संसार में आपका भटकता मन कहां से एकाग्र होगा? जब परमेश्वर यहां है ही नहीं, तो आप किसको ईश्वर ईश्वर पुकार रहे हो? अब आप ध्यान से देखिए, परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशन दे रहा है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 17:1, जेनेसिस 17:1। ये फादर ऑफ फेथ है, यानी विश्वास का जो पहला व्यक्ति था, फादर ऑफ फेथ यानी विश्वास का पिता, जिसको कहते हैं मूल पिता अब्राहम, उसको परमेश्वर ने क्या बोला था? When Abraham was 99 year old, the Lord appeared to him and said, I am the Almighty God. Walk and live habitually before me and be perfect. Blameless, wholehearted, complete. ये दर्शन है, और परमेश्वर में सिद्ध होने का दर्शन है। क्या आप परमेश्वर से सिर्फ मांगना चाहते हैं बिना रिलेशनशिप के? आप सोचते हैं कि आपको मिल जाएगा, या आप सोचते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो आप उसके लिए कर रहे हैं जिसका ये लिखित वचन हम लेके खड़े? तो उसके वचन में जाके देखिए, उसने ये करने को कहा ही नहीं जो आप कर रहे हैं, और जो आपको उसने बोला है वो आप समझ नहीं रहे हैं क्योंकि आप वचन में नहीं जा रहे हैं। तो आप कॉन्ट्राडिक्शन देखेंगे अपने थॉट्स में, अपने बिलीफ सिस्टम में और वचन में। कॉन्ट्राडिक्शन तुरंत आ जाएगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे अंदर, हमारे थॉट लाइफ से है। परमेश्वर के वचन से हमारा विचार कभी मेल नहीं खाएगा। ये डिसर्नमेंट्स हैं। नोटिस यहां पर एक ध्यान दें, that God instructed Abraham to be habitual in walking with him and living for him. यहाँ पर ध्यान दे तो परमेश्वर ने अब्राहम को इस बात के लिए instruction दिया, निर्देश दिया कि तू आदतन मेरे साथ चल, इस बात की आदत डाल ले कि तू मेरे साथ चलेगा। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब समझते हैं? बहुत discipline, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप चल नहीं पाएंगे, पहली चीज। और डिसिप्लिन के साथ साथ क्या है? निश्चयता, दृढ़ता कि नहीं मुझे चलना है, मैं चलूंगा। उसके बाद क्या है? एंड लिव फॉर हिम, उसके उसके साथ जियो नहीं है, उसके साथ चलो लेकिन उसके लिए जियो। लिव फॉर हिम, उसके लिए जीवन, अपना जीवन उसको दे दो कि हम तेरे लिए जिएंगे। ये है परमेश्वर के साथ चलने के लिए, तब आपको सिद्धि प्राप्त होगी। लिविंग फॉर हिम, वी कैन डू दिस बाय एस्टैब्लिशिंग डेली हैबिट्स ऑफ कंसिस्टेंट टाइम स्पेंट इन हिज वर्ड। ऐसा हम कर सकते हैं, बहुत सरल है करना। आपको रोज नियम पूर्वक परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करना पड़ेगा। स्पेंड टाइम हैबिचुअली, आप इसकी आदत डाल लीजिए कि आपको वचन नहीं मिला तो आपको आत्मा की आज खुराक नहीं मिली, आपको भोजन नहीं मिला। और जितना आप इसमें मन से जाएंगे, आपको प्रकाशन और डिसर्नमेंट सारी चीजें आपको प्रकट होंगी। दूध का दूध और पानी का पानी आपके अंदर कर देगा। कुछ वर्सेस हम देखेंगे, वर्सेस अबाउट प्रायोरिटी, प्राथमिकता के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 28 से 34 पद, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और ये जान कर कि उसने उन्हें, यीशु मसीह ने उन शास्त्रियों को जो शास्त्र के जानकार थे, द लर्नेड पीपल एंड जीसस क्राइस्ट, इसको ऐसे हेडिंग बनाई जाती है,
एक तरफ शास्त्र के जानकार पढ़े लिखे लोग, यीशु मसीह कौन से स्कूल गया था? इसका मतलब अनस्कूल था ना, कोई स्कूल नहीं गया। एक तरफ शास्त्र के जानकार पढ़े लिखे लोग और एक तरफ यीशु मसीह, रॉ कुछ नहीं उसके पास, लेकिन उसके पास परमेश्वर का वरदान था। वरदान क्या था? उसने उनको शास्त्र के बारे में ऐसे जबरदस्त अच्छी तरीके से जवाब दिए कि जो शायद उन्होंने कभी इससे पहले विचार सुने भी नहीं होंगे, अच्छा इसका ये भी मीनिंग हो सकता है। जी उसने पूछा, यीशु मसीह से शास्त्री ने जब देखा कि यार इसने तो इनके सबके मुंह बंद कर दिए यार, और ये है कुछ नहीं, बिन पढ़े से विद्या कहां से आई, तभी तो उन्होंने ये बात बोली थी। तो उन्होंने उसने उससे पूछा यीशु मसीह से कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, देखिए सबसे बड़ी जो टोटल सारी आज्ञाओं का निचोड़ है, 10 आज्ञाओं का निचोड़, वो निचोड़ यहां पे लाया, 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में बदल दिया था। वो दो नहीं बल्कि एक है, उसके 2 पार्ट है। वो आज्ञा क्या है? हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से, और ये एक्चुअली है दोनों एक ही। अगर तुम परमेश्वर से सारे मन सारी बुद्धि सारी शक्ति से प्रेम करने वाले होगे तो पता कैसे चलेगा? तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करोगे, और ये साबित करेगा कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। और मालूम है फेलियर कहां है? परमेश्वर से प्रेम करने में कॉम्पिटिशन चल रहा है, सबका यह है कि हमसे कम कोई नहीं करता होगा, और अपने पड़ोसी से झगड़ा करने में भी कॉम्पिटिशन चल रहा है, मुझसे ज्यादा कोई इससे लड़ता नहीं होगा। पड़ोसी कौन? अब क्वेश्चन ये उठता है, यीशु मसीह के समय में उन्होंने यही क्वेश्चन किया था, हमारा पड़ोसी कौन? जो तुम्हारे बगल में अभी बैठा है वो तुम्हारा पड़ोसी है, जो तुम्हारे बगल में सफर में है वो भी तुम्हारा पड़ोसी, हाँ हाँ आपके साथ जो है वही आपका पड़ोसी है, और पड़ोसी से ज्यादा कोई आपको नहीं जानता कि आप क्या हो। दूसरे के सामने आप फरिश्ता हो सकते हैं लेकिन पड़ोसी बताएगा। आप देखिए, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए, जो ये वाली जांच होती है इसमें आपके रिश्तेदारों से कभी नहीं पूछा जाएगा। अब आपकी उससे पटती नहीं होगी तो आप 10 घर छोड़ के वो वाले पड़ोसी के जाना, नहीं वो आपके नेक्स्ट डोर नेबर से कहेगा नहीं ये क्यों नहीं, ये तुम्हें ज्यादा जानता है। यस, पड़ोसी के बिना तुमको क्लीन चिट नहीं मिलेगी। परमेश्वर का वचन बिल्कुल एक्यूरेट है। आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, पूरी दुनिया में आपको अलग दिखाई देंगे, और आप परमेश्वर के लोग कभी भी जनरल लोगों में नहीं खो सकते, वो उनकी एकदम आपको एकदम यूनिक करके निकालेगा। और इसीलिए उसने कलीसिया की स्थापना की कि मैं तुमको यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क दूंगा कि जहां तुम जाओगे लोग तुमको देखेंगे और पूछेंगे भैया तुम कहां जाते हो, तुम किसके साथ रहते हो। ये वाली आइडेंटिफिकेशन जब आपकी जिंदगी से निकलने लगे तब समझिएगा कि आप मसीह में हैं। ऐसे आसानी से कहना, और ये जो संसार में दिखाया जा रहा है ना प्रार्थना करने वाले, ये गलत आइडेंटिफिकेशन है, ये है ही नहीं। या पुराने नियम से नए नियम तक चलेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी नहीं। इसके बाद उसने आगे पढ़िए सिस्टर, उसने कहा इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा हे गुरु बहुत थी, तूने सच कहा वो एक ही है और उसे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं, और उससे सारे मन सारी बुद्धि सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, सारे होम बलियों और बलिदानों से। अब आप बताइए कि आप प्रार्थना में बिलीव करते हैं कि परमेश्वर की इस आज्ञा में बिलीव करते हैं?
तो प्रार्थना तो एक किनारे ताक पे रख दीजिए, होम बलि मेल बलि चढ़ाना प्रार्थना करना दोनों एक बराबर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे फोकस कीजिए कि आप इसमें क्यों नहीं सफल हो रहे। इसके बाद जी शास्त्री फरीसी जी, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ के साथ उत्तर दिया है तो उससे कहा, यीशु मसीह ने उसके जवाब को सुनकर मालूम है तुरंत बता दिया, यू आर वेरी नियर द किंगडम ऑफ गॉड। अब आपको समझ में आया परमेश्वर का राज्य क्या है। और किसी को फिर उससे यानी यीशु मसीह से क्यों नहीं हुआ भैया? कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, प्रभु की उपस्थिति आपको सबसे ऊपर ना कर दे। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरे बराबर हो सकते हो। चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता लेकिन गुरु के बराबर तो हो सकता है। तो हम क्यों नीचे हैं? हमको ये टास्क पूरा करना है। अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु के पर विश्वास करते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय प्रायोरिटी पे था, ये वाली आज्ञा प्रायोरिटी की आज्ञा है जी, मत्ती 6:24, कोई मनुष्य दो स्वामियों की या दो ईश्वरों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। अब देखिए, परमेश्वर से प्रेम सर्वोपरि, हमने अभी पढ़ा, पहली और मुख्य आज्ञा है। इस आज्ञा को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर का स्थान, केवल परमेश्वर ही उस स्थान में रहे आपके जिंदगी में और दूसरा उसके इक्वल आके ना बैठ जाए। वो दूसरा इक्वल क्या चीज आके बैठेगी उसको देख लीजिए जरा। यीशु मसीह का कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक को तो प्रसन्न करेगा, एक को प्यार करेगा और एक से नफरत करेगा जी, और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन, अगर कोई व्यक्ति सेवक है ये उसके लिए बहुत भयानक तलवार है। आप धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, आपकी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेगा, ये उसका वादा है। लेकिन आप ये सोचें कि हम आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और साथ में धन भी बटोरे, ये पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर अगर आपके हृदय में परमेश्वर है तो आप 24 घंटे आपका मन काहे किस पे लगा रहेगा? परमेश्वर पे। और अगर आपके जीवन में धन भी आ गया, अब इक्वल बैठ गया कि परमेश्वर तो ठीक है लेकिन पैसे के बिना दुनिया नहीं चलेगी, अब दो हो गए, तो आपका मन ज्यादा किधर लगेगा? देखो कितनी आसानी से बता दिया धन। तो जी अरे अभी और परिस्थिति आ रही जो इससे अच्छा बताएंगी कि इसके बिना दुनिया इसके खिलाफ इसके बिना रहेगी। हाँ तो फिर आप कहां परमेश्वर, आपके प्राथमिकता किस बात की है? जी अब देखिए लूका रचित सुषमाचार 12:22-34 बिल्कुल स्टेप्स में है ये वर्सेस। लूका 12:22-34 पर और है लूका 12 उसका 22-34। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, देखो अपने चेलों से उसने कहा कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं का ध्यान दो, वो ना बोते हैं ना काटते ना उनके भंडार न खत्ता होता है तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य ये भी बता रहा कि तुम उनसे ज्यादा मूल्यवान हो परमेश्वर की दृष्टि में जी। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक मिली सेकेंड बढ़ा के दिखा दीजिए अपने आयु में चिंता करके। हाँ सही बोला, चिंता तो घटा देगी बढ़ा नहीं सकती है जी। इसलिए यदि तुम
सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोचनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान की भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है, हाँ, जिसका कोई भविष्य नहीं है, उसको ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किस किन वस्तुओं की, भोजन की, कपड़े की, है ना, खाने पीने की, हर चीज की, जल की, घर की, ये सब उसको मालूम है कि वो हमें ये चीजों की जरूरत है। परंतु तुम एक काम करो, शुरुआत तुम करो, तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। ये सारी बेसिक नीड्स तुम्हें कौन देगा? अरे जिसको मालूम है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है, उसको तुम खोजो और वो तुमको ये सब चीजें देने लगेगा। लेकिन तुम उसकी खोज में लगे रहो, इन चीजों की खोज में मत लगो। आज लोग क्या कर रहे हैं, मिल रहा है? आप जितना उससे दूर भागेंगे मिलेगी नहीं। अब एक पद और पढ़ दीजिए, 10 अध्याय लूका 10 अध्याय। हाँ, हे छोटे झुंड, नहीं ये छोड़ दीजिए, 10 अध्याय का 38 से 42 पढ़ दीजिए। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में वो, यानी यीशु मसीह, एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, उसको वेलकम किया। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था क्या कर रही थी? तो मरियम क्या कर रही थी? वचन सुनना भी तो सेवा है, यही तो लोग नहीं समझते हैं। मार्था जो सेवाएं कई प्रकार की, परंतु प्रभु एक ही है। तो मार्था कौन सी सेवा कर रही थी? खिलाओ पिलाओ। और यीशु मसीह खाने पीने का इंटरेस्टेड नहीं था, हम आपको सच बता रहे हैं, उसका स्वभाव। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए, आप खाने पीने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, और लोगों के जाके आपके साथ प्रॉब्लम यही आएगी, वो आपको खिलाने पिलाने में लगे रहेंगे, और आपके अंदर से पवित्र आत्मा चाह रहा कि वो बैठे बात करें। पवित्र आत्मा आपसे बात करने के लिए आया, तो लोग बात करने के बजाय वो मार्था बन जाते हैं। जी, मार्था सेवा करते करते घबरा गई और यीशु मसीह के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे किचन में काम करने के लिए, मैं खुल के बोल दे रहा हूं, अकेली छोड़ दिया है, ये तो बस बवाल है। इसलिए उससे कह कि यहां से उठ के चले किचन। जी, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, पहले तो उसको काउंट डाउन करना, जब किसी को काम डाउन करना होता है ना शांत, तो उसको बेटा 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 कई बार नाम ले लीजिए, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। क्या चीज था वो भाग? प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनना।
यीशु मसीह आपके घर आ जाए तो आप उसका वेलकम कैसे करेंगे? किचन में जाके उसको पका के खिला के आप खुश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खाने पीने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जिस चीज में इंटरेस्टेड है कि आप उसके पास बैठकर वचन सुनो, क्योंकि ये वचन आपको वहां पहुंचा देगा जहां प्रभु विद्यमान है। वो चाहता है ये वहां हो जहां मैं हूं। तो आप प्रभु के उपस्थिति में पहुंचने के लिए बैठकर, आपको उसके चरणों में बैठकर वचन सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किचन में जाके उसके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बना के? इसलिए ये बात हमेशा सीख लीजिए कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है और वही कीजिए। आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, हम सच बता रहे हैं आपको। उसके मन की उसका मन आपके अंदर काम करने लगेगा और आप उसके मन के अनुसार चलने लगेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ वो करने लगेगा। हालेलुया। नीति वचन की पुस्तक उसका 21 अध्याय का 21 पद पढ़िए। यहाँ पे एक प्रिंसिपल मिलता है, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हिंदी से ज्यादा इंग्लिश इसको क्लियर करती है। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 21, प्रोवर्ब्स 21:21। प्रोवर्ब्स 21:21। He who earnestly seeks का मतलब क्या होता है? खोजना। He who earnestly, यानी जो संपूर्ण मन से किसी चीज को खोजता है। He who earnestly seeks after एंड क्रेव्स, यानी उस चीज के लिए ललायित होता है, righteousness, परमेश्वर की धार्मिकता को जो संपूर्ण मन से खोजता है और उसके लिए ललायित होता है, mercy एंड loving kindness will find life in addition to righteousness, uprightness एंड राइट स्टैंडिंग विथ गॉड एंड ऑनर। यानी आपको ये वही बात आ गई ना कि आप जब पहले आप परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता को खोजेंगे तो परमेश्वर आपको अपने, परमेश्वर आपके साथ आपके जीवन में खड़ा होगा और आपको ये दिखाएगा कि देखो ये है मेरा चुना हुआ बंदा। वो आपको फोकस में ले आएगा। कुलसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 10 पद, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से तुमसे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। किसकी पहचान में? अपनी व्यक्तिगत पहचान में मत बढ़ना, मसीह में बढ़ना, यानी प्रभु में बढ़ते जाओ, प्रभु तुम्हारे जीवन में प्रगटीकरण में आने पाए, यानी रेवलेशन ऑफ जीसस तुम्हारे जीवन से लोगों को दिखने लगे, लोग देखें कहें ये यीशु मसीह है। ये हो जाए तब समझना तुम प्रभु की पहचान में बढ़ रहे हो। सब अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में और इंडिविजुअल पहचान में खड़े हो रहे हैं, ये प्रभु का राज्य नहीं है। ये यहाँ पर कलीसिया को पत्री में बताया गया, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 10। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 10, दैट यू मे वॉक लिव एंड कंडक्ट योरसेल्फ। यानी हमको प्रभु में जीने का तरीका यह है कि हमको प्रभु में कॉन्डक्ट, अपने आप को प्रशिक्षित करना है प्रभु में हमें कैसे चलना है। लिव एंड कंडक्ट योरसेल्फ्स इन अ मैनर वर्दी ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के योग्य हो ऐसा वाला चाल चलन जी, फुल्ली प्लीजिंग टू हिम एंड डिजायरिंग
टू प्लीज हिम इन ऑल थिंग्स बियरिंग फ्रूट इन एवरी गुड वर्क एंड स्टेडिली ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंग इन एंड बाय द नॉलेज ऑफ गॉड विथ फुलर डीपर एंड क्लियरर इनसाइट अक्वेंटेंस एंड रिकॉग्निशन। यानी वचन आपको रिकॉग्नाइज कराएगा कि वो क्या क्या चीज है जिसमें हमको बढ़ना है। हमें लोगों के एटीट्यूड देखकर उनकी कॉपी नहीं करनी जो आज चल रहा है। लास्ट में हम आगे एक पद पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 पद। यीशु मसीह यहां पर एक परीक्षा में हमको डाल रहा है और उसने ये लाइन बोल दी है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो प्रार्थना करोगे हैं? उसको ये मालूम था कि लोग सोचेंगे आज्ञाएं तो वो वचन में जाएंगे, इस बहाने वचन में फोकस तो करेंगे, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो इसको जानकारी के लिए तो आपको वचन में जाना ही पड़ेगा। तो यानी यीशु मसीह की हर बोली में वचन इंपॉर्टेंट आता है। जी एक पद और पढ़ दीजिए, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला दूसरा पद, रोमियो 12:1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा, देखिए स्वभाव बदलेगा तो चाल चलन बदलेगा, लेकिन यहां पर स्वभाव बदलने की बात नहीं कर रहा है। चाल चलन बदले, चाल चलन कब बदलेगा? हाँ तो मन बदला नहीं तो चाल चलन नहीं बदला, क्योंकि स्वभाव नहीं बदला। जिस दिन आपको लगे कि आपका स्वभाव कैसे पता चलेगा कि बदल गया, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। कहने का मतलब ये, आपकी जीवन शैली प्रायोरिटीज बदल जाती है, प्रथम स्थान परमेश्वर आ जाता है, और जब प्रथम स्थान परमेश्वर आ जाता है ना तो रिश्तों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायरा बढ़ जाता है। हर आदमी जो मन में आता बोल देता है, लेकिन आप नहीं करोगे। आपको मालूम है कि हम गलत बात बोलेंगे नहीं, और सही बात यहां बोलेंगे तो अभी हो जाएगा, इसलिए आज चुप हो जाओ। ये सीखने को मिल जाता है। जी जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा, ये आपको कभी भी लिखित में नहीं बताया गया। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की दो इच्छाएं हैं, एक उसकी यानी एक इच्छा जो है वो सबके लिए कॉमन है, जनरल विल, और उसकी आपके लिए विशेष क्या इच्छा है वो, तो दो दो प्रकार की इच्छाएं हैं। परमेश्वर की इच्छा जो जनरल है वो सबके लिए कॉमन है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा इंडिविजुअल के लिए क्या है, आपको कौन सी सेवकाई के लिए उसने चुना है, आपकी बुलाहट क्या है, आपकी कॉलिंग क्या है, वो स्पेसिफिक है। तो अनुभव से ही आपको पता चलेगा आपको वो आपसे क्या चाहता है व्यक्तिगत तौर पर। जनरल सबके लिए एक है, और ये तो अभी दो पार्ट्स में हम आगे देखेंगे। इस लास्ट में एक वर्स पढ़ेंगे जो आपको मिलेगी याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4:8। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय का 8 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, हिंदी में फिर इंग्लिश में। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। पहले किसको आना, प्रायोरिटी किसको सही करनी है, आपको पहले प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी। परमेश्वर के निकट आओ, है ना। अब एक चीज हम आपसे पूछते, थोड़ी रीजनिंग कर लेते हैं। परमेश्वर वचन है, परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ का मतलब वचन में आओ। कम क्लोजर टू द वर्ड, कम क्लोज टू गॉड, कम क्लोजर टू द वर्ड। जी तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा, ये प्रिंसिपल है।
किसको आना पहले? तो शुरुआत कौन करेगा? कब? जब सारी दुनिया निपट जाएगी तब। आज उद्धार का दिन है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना। ये वचन आप इसके बाद के तुरंत याद कर लिया कीजिए। वचन आपको बार बार बता रहा है कि जब तुमको तुम्हारे दिल में उसकी आवाज पहुंच जाए कि उसके निकट आओ, तुमको निर्णय लेना चाहिए कि अब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। वचन पे फोकस। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यही तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय तक पहुँचाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो बावजूद इसके कि हम आपको प्रथम स्थान नहीं देते, फिर भी प्रभु आप हमको संभाल रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और आपका अनुग्रह हम पर बना रहता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप ये चाहते हैं कि मनुष्य देरी से सही लेकिन सही मार्ग में आ जाए, सच्चे परमेश्वर के संरक्षण में आ जाए, उसके कंट्रोल में आ जाए, ताकि उस हम सब के जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। जैसा वो है वैसा वो प्रकट हो हमारे जीवन से, और इस धरती पर लोग परमेश्वर की महिमा को देख सकें, हम उसकी महिमा को प्रकट करने का एक माध्यम बन सकते हैं। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके उन असामर्थ के कामों के लिए जो आप हमारे जिंदगी में स्तर पर स्तर ब स्तर करते जा रहे हैं, ताकि हमको उस राज्य का वारिस बनाएं जो आपने हमारे लिए तैयार किया। आज प्रभु आपका आपकी आत्मा पवित्र आत्मा लोगों के हृदय तक आपके वचन को पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि लोग आपके वचन से उनका हृदय भर जाए और आपकी उपस्थिति उनके दिल में हो, और आपके लिए हर मनुष्य के जीवन में परमेश्वर सर्वप्रथम और सर्वोपरि हो और परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।